लास्ट आर्टिकल है, देख लें सर्कल का, अल्टरनेट सेगमेंट, एंड इट्स एंगल, पहले इसकी बात करें। देखें, ये एक सर्कल है, इस पर किसी पॉइंट ए पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पर ये टेंजेंट। अब ए से आप कोई अगर कॉर्ड बनाते हो, यहां पर मान लो ए भी एक कॉर्ड है, यहां दो एंगल बन रहे हैं। इस ए बी कॉर्ड से इधर सर्कल के इस पार्ट पे, मेजर पार्ट पे, कहीं पे भी कोई एंगल बनाओ, ये सारे एंगल सेम होंगे, एंगल इन सेम सेगमेंट से होता है। मान लो ये सी बना लिया आपने, ए पॉइंट, ये जो एंगल सी है और ये जो एंगल बी ए एक्स कर देता हूं मैं, इसे वाई कर देते हैं, तो बी ए एक्स है और ए बी सी है, इसे कहते हैं हम लोग अल्टरनेट सेगमेंट एंगल्स, या इसकी अल्टरनेट सेगमेंट ये है, इस एंगल एक्स ए बी के लिए ये सेगमेंट अल्टरनेट है। और इसी तरह से इस एंगल की बात करेंगे तो इस पार्ट में अगर आप कोई भी एंगल बनाते हो, मान लो ये एंगल डी है, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होता है और इसी को कहते हैं अल्टरनेट सेगमेंट। तो यहाँ पर ए बी एक कॉर्ड जो कि है टेंजेंट, ए पर एक टेंजेंट बनाई गई है, तो कॉर्ड ए बी से दो साइड पर एंगल बन सकता है, एक मेजर पार्ट पे, एक माइनर पार्ट पे, अगर डायमीटर नहीं है तो कोई भी आप इसमें कॉर्ड बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए है एक दूसरा, देखिए ए, यहाँ ए बी ऐसे ना बना करके आप ऐसे बना लिया, तो इधर पार्ट पे जो एंगल बनेगा वो इसके बराबर होगा, इस पार्ट पे जो एंगल बनेगा वो इसके बराबर होगा। कोई भी कॉर्ड बना सकते हैं ए बी, ये है अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। इन एंगल्स को अल्टरनेट एंगल बोलेंगे, अगर ये थीटा, ये थीटा है, ये अल्फा, इसके करिस्पॉन्डिंग अल्टरनेट एंगल ये है। ठीक है, अब ये इक्वल क्यों है, इक्वल बोल तो दिया, इक्वल है, ये दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, मेन थ्योरम ही अप्लाई करनी है क्वेश्चंस में, लेकिन देखें कि क्यों होता है इक्वल अल्टरनेट सेगमेंट। तो प्रूफ इसका देखते हैं, फिर से एक डायग्राम में बनाता हूं। ये ले लिया मैंने सर्कल, ये लिया पॉइंट ए और ये टेंजेंट, ये हो गई कॉर्ड ए बी, यहां पे मैंने एंगल ले लिया सी, ये एंगल लेट अस अज्यूम थीटा है, इसको मैं इसके सेंटर से ज्वाइन कर देता हूं ओ से। ये पूरा एंगल कितना होगा, 90 होगा ना, ये एंगल कितना होगा ना, 90 माइनस थीटा होगा, क्यों, ये टेंजेंट है, तो टेंजेंट पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर रेडियस से जब ज्वाइन करते हैं तो वो एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये रेडियस, ये भी रेडियस है, ये जो ट्राइंगल ओ ए बी है ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये एंगल जो होगा ओ बी ए ये भी कितना होगा, 90 माइनस थीटा होगा, तो ये एंगल ओ कितना हो जाएगा, इस ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम 180, तो उससे ये एंगल आ जाएगा 2 थीटा। सेंटर पे अगर एंगल 2 थीटा है तो सर्कमफेरेंस पे एंगल कितना बनेगा, थीटा बनेगा। तो देखिए ये एंगल थीटा इस एंगल थीटा के बराबर आ गया, देख लें इसको, कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। यही है अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। और कोई पॉइंट सिद्धांत,
दांत आवाज आ रही है ना? नहीं है क्लास में क्या है? तो यस सर, हो गया ना, यही पॉइंट था अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। अब क्वेश्चंस इस पर देखते हैं कि अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम का यूज करते हुए क्वेश्चन कौन सा लिया जाए। अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम भी यूज हो, सर्कल पे तो बहुत सारे हैं, उसका पार्ट देखना पड़ेगा किस क्वेश्चन में यूज हो रहा है अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। क्वेश्चन तो मैंने देखा था अल्टरनेट सेगमेंट का और मैंने सोचा था ये करवा देंगे, देखते हैं अभी। चलो ये करते हैं क्वेश्चन नंबर वन। ये डायग्राम दिया, थोड़ा सा डायग्राम टेंजेंट गड़बड़ बन गई। हाँ देखिए ऐसे, ये पॉइंट है पी, ये एंगल दिया है 30 डिग्री, ये P से दोनों टेंजेंट है, यह है पी क्यू और यह है पी आर, ये पॉइंट N, यहाँ N ऐसे लिखा हुआ, O इसका सेंटर है, O हो गया सेंटर, ये क्यू आर है और अब यहाँ पे कहीं पर ये पॉइंट है S, ठीक। ये डायग्राम दिया है, देख लीजिए डायग्राम में जैसे जैसे मैं बोला सब वही चीज लिखी हुई है। ये अच्छा, अब कहा गया फाइंड एंगल आर क्यू एस। अच्छा ये यहाँ थोड़ा सा डायग्राम और चेंज कर लेंगे, डायग्राम में ये जो है यहाँ आर एस जो लाइन है ये इस टेंजेंट के पैरेलल, आर एस इज पैरेलल टू टेंजेंट एट पी क्यू, आर एस लाइन पी क्यू टेंजेंट के पैरेलल है, तो अब हमें एंगल आर क्यू एस कैलकुलेट करना है, ठीक है। नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को और बनाइए। सर 30 डिग्री, 30 डिग्री, 30 डिग्री आर क्यू एस आंसर 30 डिग्री है। हाँ ठीक है, ये इसके पैरेलल है, इस पॉइंट को भी यूज कर रहे हैं,
एस क्यू एन, एस क्यू एन आर एस क्यू 30 डिग्री. कैसे आ रहा है देखें, समझते हैं ये एंगल कितना होगा, 90 होगा क्योंकि टेंजेंट है, ये भी 90 होगा टेंजेंट है. तो ये बचा कौन सा एंगल, आर ओ क्यू, आर ओ क्यू एंगल, इन दोनों का सम 90 प्लस 90 180 है. तो ये क्वाड्रिलेटरल में देखो ओ आर पी क्यू में, ओ आर पी क्यू में अपोजिट एंगल्स, इस एंगल प्लस इसका एंगल प्लस 30 डिग्री बराबर 180 बन जाएगा. तो आर ओ क्यू एंगल आ जा रहा है हमारे पास 150 डिग्री. आर ओ क्यू क्या है, क्यू आर जो है उससे सेंटर पे जो एंगल बन रहा है उसका हाफ एंगल बनेगा यहाँ सर्कमफेरेंस पे. तो एंगल क्यू एस आर वो कितना होगा, 1/2 टाइम्स एंगल आर ओ क्यू, दैट विल बी 75 डिग्री. आया ये एंगल हो गया 75 डिग्री. ये दोनों लाइंस पैरेलल, ये पैरेलल है तो ये एंगल जो है एंगल एम क्यू एस विल बी इक्वल टू एंगल आर एस क्यू. कौन सा एंगल है ये, अल्टरनेट एंगल है लेकिन वो अल्टरनेट सेगमेंट वाला नहीं है थ्योरम. दो लाइंस पैरेलल हो और ऐसे एक लाइन कट करे तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होता है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल उसको बोलते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल. ठीक है, तो उस थ्योरम से आ रहा है ये 75, तो ये भी हो गया 75. अब देखिए, अब अल्टरनेट थ्योरम लगाएंगे हम लोग. ये अगर 75 है तो ये पूरा एंगल एस आर क्यू भी 75 होगा. एंगल एस आर क्यू विल बी इक्वल टू एंगल एस क्यू एम बराबर 75 डिग्री. ये एंगल इस एंगल के बराबर है अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से. क्यों, यहां देखिए एक क्यू एस क्वाड बनी हुई है क्यू से और इससे ये एंगल बन रहा है, तो इस एंगल के करेस्पॉन्डिंग ये एंगल क्या हुआ, अल्टरनेट सेगमेंट में एंगल हुआ. तो यही है अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से लिखा गया इस पॉइंट को. अब देखिए इस पर्टिकुलर ट्रायंगल में, ट्रायंगल एस आर क्यू में दो एंगल हमें पता चल गए हैं 75, ये भी 75. तो थर्ड एंगल निकाल सकते हैं. थर्ड एंगल क्या हुआ, एंगल एस क्यू आर और आर क्यू एस, यही कैलकुलेट करना है. ये बराबर क्या होगा, 180 माइनस बाकी दोनों का सम 75 प्लस 75, 180 माइनस 150 दैट इज 30 डिग्री. देख लें सॉल्यूशन और बताएं कोई प्रॉब्लम है अब तो. ठीक है, तो ये टॉपिक यहां पर हम लोग कंप्लीट रखते हैं. बोलिए और क्वेश्चंस, फिर आपको पैकेज जो दिया गया है, मॉड्यूल दिया गया है, डीपीपी दी गई है, उससे हम लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे.